बढ़ते आगे। भरतपुर में सफाई कर्मचारियों के साथ विरोध करने वाले नेता राघवेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे आक्रोशित वाल्मीकि समाज और भीम आर्मी के लोगों ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया, जिला कलेक्ट्रेट के बाहर। साथ ही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राघवेंद्र को रिहा कराने की मांग भी यहां पर की गई है। तो वाल्मीकि समाज और भीम आर्मी के लोग यहां पर आक्रोशित हैं, राघवेंद्र सिंह को रिहा करने की मांग पर अड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि राघवेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भरतपुर से एक खबर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाल्मीकि समाज और भीम आर्मी के लोग बेहद नाराज, आक्रोशित, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। राघवेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनकी रिहाई की मांग पर ये तमाम भीम आर्मी और वाल्मीकि समाज के लोग डटे हुए हैं। तो आपको बता दें कि वाल्मीकि समाज और भीम आर्मी के लोग, जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी सिर्फ एक मांग, राघवेंद्र सिंह को रिहा करो। वाल्मीकि समाज और भीम आर्मी के लोग इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। भरतपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस भी वहां पर मौजूद है, लेकिन नारेबाजी हो रही है। देवेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। देवेंद्र, राघवेंद्र सिंह को रिहा करो, ये मांग इनकी है, क्या प्रशासन की तरफ से इनको आश्वासन कोई दिया गया, क्या बातचीत हो रही है, क्या मौजूदा अपडेट है इस पूरे मामले में, जरा बताएं देवेंद्र। देखिए, जो लगातार जिस तरीके से प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि पूर्व पार्षद है राघवेंद्र सिंह, उनको रिहा करने की मांग है। कल उनको देर शाम पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोतवाली थाना पुलिस ने 151 के तहत शांति भंग के तहत उनकी गिरफ्तारी की है। रावण दहन के दिन, दशहरे के दिन, उन्होंने आपत्तिजनक पोस्टर जिसमें मुख्यमंत्री का फोटो भी था, स्थानीय विधायक जो है भरतपुर शहर के और जो सरकार में मंत्री है सुभाष गर्ग उनका भी फोटो था, भरतपुर नगर निगम के मेयर है उनका भी एक फोटो था, उस पर आपत्तिजनक कुछ बातें लिखी गई और उस पोस्टर को लेकर ये पूरा विवाद है। भरतपुर शहर में लगातार 18 दिन से शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो ठप पड़ी हुई है। जो निजी प्राइवेट कंपनी जिसको ठेका दिया गया था उसकी और जो प्राइवेट कर्मचारी है उनके बीच में अनबन बनी हुई है। कुछ मांग है जिनको लेकर लगातार गतिरोध जारी है। इस आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं पूर्व पार्षद राघवेंद्र सिंह, जो सफाई कर्मचारी है, वाल्मीकि समाज है, उनके साथ में आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने इस तरह की चीजें की थी। और लगातार जब इस पूरे मामले में घटनाक्रम बिगड़ता गया, कल देर शाम मेयर जो है अभिजीत जाटव उनका भी बयान सामने आया और कल शाम पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की राघवेंद्र सिंह की, और आज इसी को लेकर भीम आर्मी और जो सफाई कर्मचारी हैं प्राइवेट कर्मचारी उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। यहाँ आंदोलन को उनकी जो पत्नी है उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया और लगातार डिमांड्स कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जो विधिवत कार्रवाई है उसी के तहत राघवेंद्र सिंह को जो SDM भरतपुर उनके सामने पेश किया जाएगा और वहाँ जमानत मुचलकों पर उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन जो प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि उनको बिना किसी जमानत के और वैसे ही छोड़ा जाए, पुलिस का कहना है कि जो कानून की धारा है उन्हीं की तरफ कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, इन तमाम अहम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो राघवेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कुछ विवादित पोस्टर का यह पूरा मामला था दशहरे के दिन का, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उस गिरफ्तारी के विरोध में यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं भीम आर्मी और वाल्मीकि समाज के लोग, उनका प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए।